गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे होंगे। वेल, मेरा नाम लियान है एंड मैं अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि श्रीनगर में अब जब आपको कभी दर्शन करनी हो तो आपको कौन से मंदिर पे आना है, मैं उसके बारे में आज आपको बताऊँगा। तो गाइस, ये है यहाँ का एंट्रेंस एंड काफ़ी सुंदर एंट्रेंस है। अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक सेकंड, यहाँ कितनी प्यारी धूप आ रही है, सर्दियों का मौसम है। तो चलिए, यहाँ काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, आपको चढ़ना पड़ेगा, बट एनीवे कोई बात नहीं, दर्शन करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप देख सकते हो ज्येष्ठा देवी स्थापन एंड काफी खूबसूरत जगह पे बनी हुई है श्रीनगर के बीचों बीच में। और अब ये है मंदिर का एंट्रेंस और यहाँ पे आते ही आपको गन्नू जी का दर्शन करने का मौका मिलेगा। यहाँ है हमारा अपना गणेश जी, ये देखिए, और यहाँ भी काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो। काफ़ी लोगों ने दान दिए इस मंदिर को बनाने में। ये यहाँ का व्यू है, काफ़ी सुंदर, अच्छे मेंटेन कर रखे। लुक एट दिस, काफ़ी सुंदर लग रहा है। आपको ये विश्वास नहीं होगा कि जैसे जब हम श्रीनगर में आए तो मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि यहाँ मंदिर होंगे, और वो भी होंगे लेकिन वो भी इतने छोटे अच्छे। तो चलिए हम और आगे दिखाते हैं आपको। सो प्रिटी चिनार के पेड़, कितना प्यारे लग रहे हैं, ये देखिए आप, दिस इज सो प्रिटी। और आइए आपको यहाँ भी दिखाता हूँ। फिर आपका गणेश जी है, लक्ष्मी जी है एंड शिवलिंग भी है। और यहाँ देखते हैं, यहाँ लक्ष्मी जी का पिक्चर लगी हुई है और यहाँ एक माता जी की। लुक एट दिस, आपको मैं ऐसे भी घुमा के दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ कभी भी, काफी पुरानी मंदिर है ये, 5000 साल पुरानी। You can just look around. आगे यहाँ भी आपको मंदिर देखने को मिल जाएगा। यहाँ है आपका शिव जी का टेम्पल एंड चलो हम शिव जी के भी दर्शन कर लेते हैं। उसमें शिवलिंग है, ये देखिए आप सब। दिस शिवलिंग इज ऑल्सो 5000 ईयर ओल्ड। दिस वन, दिस वन,
this Shivling. 5,000 years old? Yes. Ganpatiyar Habagadal se, wahan se isko yahan laya gaya. Achcha. आप यहाँ देख सकते हो, आप अगर रुकना चाहो तो यहाँ भी आके आप रुक सकते हो. एंड ये कम्प्लीटली ऑनलाइन इसके बुकिंग चलती है. रीज़न, यहाँ ऑन द स्पॉट कोई रिजर्वेशन नहीं होती. ये भी बता दूँ कि ये जगह आपका डल लेक से एग्जैक्टली 2 मिनट की दूरी पर है, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है. पर मुझे भी यहाँ आते हुए हैरान हुआ था. But I'm so happy to find this place. तो चलिए, ये ऐसा दिखता है, ये यहाँ का गेस्ट हाउस है. आप जब भी आना चाहोगे तो आप जैसे बुकिंग कर सकते हो. मैं आपको ऊपर से और दिखाता हूँ. ये देखो, आप इसके और आगे ऊपर जा सकते हो. एंड लेट मी शो यू फ्रॉम द टॉप सो दैट यू कैन सी द complete view of this place. Here you go. Wow, the nature is so beautiful. Mandir ke saath is tarah ki nature. Just guys, look around. Ab ye hai yahan ki view. तो अब ये है यहाँ की व्यू. नीचे है आपका मंदिर और आप एक बार चारों तरफ देख सकते हो कि ये कितने खूबसूरत है. यू कैन सी अराउंड. मैंने कभी नहीं सोचा था कि श्रीनगर के बीचों बीच में इतने खूबसूरत मंदिर भी होंगे. ये देखिए गेस्ट हाउस, और ये वो रहा आपका मंदिर. ये है ऊपर से कंप्लीट व्यू. वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छे लगे हो, क्योंकि जैसे मुझे इसके बारे कोई आइडिया नहीं था, वैसे ही आप लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होगा कि यहाँ इतनी खूबसूरत मंदिर है. तो आपको अगर दर्शन करना है तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो मंदिर है ये बिल्कुल डल लेक के पास है. एंड डल लेक से आप कार से आओगे तो मुश्किल से 3 मिनट का रास्ता है. एंड बाकी तो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के दौरान बता दिया. So if you like this video, then please comment and share with your friends. Bye-bye.